अभी हम कुछ वर्ड लिए हैं, उसके करेक्ट साउंड कैसे होंगे सीखते हैं। साउंड इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में 44 है, 44 है, जिसमें वावेल साउंड सिंगल वावेल मोनोटोन 12 है और डबल वावेल 8 है, ये मिलकर 20 है। तो अभी हम वावेल साउंड जो 20 है, 20 है इंग्लिश लैंग्वेज के, उसको सही साउंड का सिंबल क्या है, वर्ड के रूप में कैसे यूज हुआ है वो हम सीखें, ठीक है। सिंगल वावेल का मतलब है एक बार साउंड करेंगे माउथ का एक ऑर्गेन दूसरे की मदद नहीं लेगा। डबल का मतलब है दो बार साउंड होगा माउथ का एक ऑर्गेन दूसरे की मदद नहीं लेगा। जैसे मैं साउंड करता हूं ए, ए साउंड किया मैं, माउथ का एक ऑर्गेन दूसरे की मदद नहीं लिया, नहीं छोड़ा, तो हम बोलेंगे ये वावेल साउंड है और ये सिंगल वावेल एक बार, जिसको हम मोनोटोन भी कहते हैं। और अगर मैं बोलूं ई, तो ये भी एक बार साउंड हुआ, ये सिंगल वावेल है। अगर मैं मिला दूं ए, तो ये डबल वावेल, दो बार साउंड हुआ, माउथ का एक ऑर्गेन दूसरे को नहीं छोड़ा। अभी हम पढ़ेंगे सिंगल वावेल एक बार साउंड होगा जो वावेल साउंड है वो 12 है और डबल वावेल 8 है, टोटली 20 वावेल साउंड्स। क्लियर। अभी आते हैं, ये शॉर्ट ई है, ये स्लैंग्स के अंदर, इसको हम स्लैंग्स कहते हैं, उसके अंदर सिंबल लिखे जाते हैं। तो हर एक साउंड का एक सिंबल होता है, 12 वावेल साउंड के ये 12 सिंबल है और ये 8 के 8। तो अभी पहले सिंगल को जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ई, जिसको शॉर्ट ई कहते हैं। जैसे मैं लिखा सिट, एस आई टी, ये स्लैंग्स के अंदर ये सिंबल लिखा है सा ई ट, सिट, एस आई टी, ये लेटर है। साउंड स्लैंग्स के अंदर क्या हो गया, सा शॉर्ट ई ट, सा ई ट, सिट, इसको सीट नहीं पढ़ना, क्यों, ये सिंबल का मतलब है शॉर्ट ई। ई दो तरह का है, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, ई ई, इसको ध्यान रखें, ठीक है। शॉर्ट ई का सिंबल ऐसे, लॉन्ग ई का सिंबल स्मॉल आई जैसे होगा, कोलन होगा। जैसे हम लिखे हैं एस ई ए टी, इसमें 4 लेटर है पर इसके साउंड 3, स ई त, सीट, इसको मैं सिट नहीं पढ़ सकता। तो शॉर्ट ई, लॉन्ग ई, दो ई है, इसको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। सिट, सी, ई, ई, क्लियर हो गए। अब आते हैं ऊ को, ऊ भी तो है, एक है ऊ शॉर्ट ऊ और एक है ऊ लॉन्ग। जैसे हम करते हैं टी यू टी, ये वर्ड का लेटर है टी यू टी, तीन लेटर और साउंड भी तीन है, पुट, पुट, इसको मैं पुट नहीं पढ़ सकता, पुट, शॉर्ट ऊ है पुट, क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ऊ लॉन्ग, एफ औ औ डी, 4 लेटर एफ औ औ डी पर साउंड 3 है, प ऊ ड, लॉन्ग ऊ है, फूड, समझ में, इसको फूड नहीं पढ़ सकता। अब आते हैं ऐसे सिंबल को ए कहते हैं, ए ए ए, कैट, मैट, हैट, रैट, सैट, ए, ये नहीं लिख सकता मैं हिंदी उड़िया में, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। सी ए टी, 3 लेटर, यहां पे सी का साउंड का हो गया, देखिए लेटर नहीं साउंड पढ़ा जाता है, तो आप सिंबल को सीखेंगे तो पढ़ सकते हैं, क ए ट, कैट, कैट, क ए ट, कैट, ये ओ, ओ को थोड़ा सा खींचना है, ज्यादा नहीं, ओ, एस ओ आर टी,
ये आठ साइलेंट है सिंबल स ओ द सॉट सॉट नहीं कहना सॉट ओ अब इसको कहते हैं ओ ये सिंबल का नाम ओ है ब बी ए एल एल चार लेटर बी ए एल एल बॉल में चार लेटर पर साउंड तीन है ब ओ ल ब ओ ल बॉल तीन साउंड नेक्स्ट ऐसे सिंबल कौन कहते हैं आ आ आ आधा आ आ जैसे बी यू टी यहां पे यू लिखा तीन लेटर है बट में तो यहां पढ़ेंगे बी को ब पढ़ना है ब आ त बट ये बॉट नहीं है बूट नहीं है बॉट ऐसे बहुत लोग कहते हैं ये बॉट नहीं है बॉट बोले तो बी आउ यू जी एच टी बॉट पर ये पार्ट है प आ ट ध्यान देना है पार्ट ये ए है पी ई एन पेन सिंबल प ए न ये ई नहीं ई जैसे पर साउंड में ए होता है प ए न पेन ये है अ आपको थोड़ा खींचना है अ बी आई आर डी इसको बिर्ड नहीं पढ़ते हैं चार लेटर है पर तीन साउंड ब अ ड आर साइलेंट ब अ ड बर्ड टर्ड ऐसे पढ़ते फर्स्ट अ क्लियर हो ये अ है अ अ ए जी औ ये एगो नहीं अप अप ग औ अगौ 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 ठीक है ये आ है पी ए आर के चार लेटर आर साइलेंट है तीन साउंड है प आ क पाक मा डा ऐसे पढ़ना है ठीक है इसको पार्क नहीं पढ़ना ए साइलेंट है प आ क पा क्लियर मैं ये वर्ड पढ़ लेता हूं देखिए सिट सीट पुट फूट कैट सॉट बॉल बट पेन बर्ड अगो पार्क ये सिंगल वोवेल हो गए अब डबल को आते हैं डबल वोवेल आठ है पहला है ईयर नेक्स्ट ए नेक्स्ट ऊ नेक्स्ट ऑय नेक्स्ट औ नेक्स्ट एयर नेक्स्ट आई नेक्स्ट आउ अब वर्ड को जाते हैं एच ई आर ई इसको हियर नहीं पढ़ना आर साइलेंट है चार लेटर पर साउंड दो है हा ईयर हियर क्लियर हो हा ear ear एक साउंड है डबल वोवेल सो हियर नेक्स्ट ए डी ए वाई इसको डे नहीं पढ़ना ड ए तीन लेटर दो साउंड ड ए डे ऊ पी ओ ओ आर चार लेटर और साउंड होगा प ऊ ऊ ठीक है ओई औ आई एल तीन लेटर दो साउंड है ओई ल ओई इसको ऑयल नहीं पढ़ना ऑई कॉइन बॉई सॉइन कॉइन जॉइन ऑई क्लियर औ जी औ दो लेटर दो साउंड है ग औ यहां जी का साउंड ग हो जाता है देख लीजिए ग औ गौ इसको गो नहीं पढ़ना गौ सौ नौ इस तरह होता है ठीक है एयर एफ ए आई आर चार लेटर साउंड दो फ एयर आर साइलेंट फेयर फेयर हेयर डेयर केयर ऐसे साउंड नेक्स्ट आई के आई टी ई चार लेटर काइट में
पर साम तीन है, का आई ट काइट, का आई ट काइट, ठीक है। नेक्स्ट आओ, सी ओ डब्ल्यू, तीन लेटर, इसको काओ नहीं पढ़ना, का आओ काओ, क्लियर हो गए। तो ये आठ वॉवेल साउंड डबल में फिर से बोलता हूं, इया ए उआ ओई औ ए आई आओ। मैं वर्ड पढ़ देता हूं, हियर डे पुअर ऑई गौ फेयर काइट काउ। थैंक यू।